Dear students of class 11th, my name is Manoj Kumar. Welcome you again to the online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal. हम कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधारित प्रमाण हैं उनमें भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण. भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है. बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में इनसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. भूगर्भ के अंदर क्या क्या है, इन सब की जानकारी जब भूकंप आते हैं उसके बाद अवलोकन या खोज या उस पर रिसर्च किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी पहले की अपेक्षा भूगोल वेताओं को मिलती है. 1909 में मोहरोविसिस ने कोशिश की थी. भूकंप के दौरान मुख्यतः तीन प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं. पी प्राइमरी तरंगें जिन्हें प्राथमिक कहते हैं, एस सेकेंडरी जिन्हें गौण तरंगें कहते हैं, और तीसरी होती हैं एल लॉन्ग वेव्स तरंगें. पढ़ते हैं पी तरंगें. पी तरंगों की खासियत क्या होती है, इनका जो वेग है, चलने की गति होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है. ये तीनों ही अवस्थाओं में ठोस, तरल और गैस के माध्यम से गुजर सकती हैं. पी तरंगों ध्वनि तरंगों के समान होती हैं. इनके कणों की गति तरंग की रेखा की सीध में ही होते हैं और इन तरंगों का प्रभाव से पदार्थ क्या होते हैं, आगे पीछे हिलते हैं. सेलों का गंतव्य बदलने पर पी तरंगों का वेग भी बदल जाता है. यहाँ पर पी तरंग यात्रा की दिशा तरंगों के कणों की गति देखिए किस तरह से है. सेकंड है बच्चों एस तरंगे, ने गौण सेकेंडरी तरंगें भी कहा जाता है. इनकी विशेषता है इन तरंगों के प्रभाव से पदार्थों के कण की दिशा के लंबवत दाएं बायां ऊपर नीचे दोलन कर. एस तरंगें प्रकाश अथवा जल तरंगों के समान होती हैं. इनमें कणों की गति तरंग की दिशा के समकोण पर होती, इसलिए नाडी तरंगें भी कहते हैं. ये तरंगें तरल लिक्विड में लुप्त हो जाती हैं, यानी कि वहाँ पर इनका कोई प्रभाव नहीं रहता. ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर पाती हैं. वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में एस तरंगों की मदद से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है. इनका वेग होता है, रफ्तार होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड. एस तरंगों के में कणों की गति देखिए. तीसरा है एल तरंगे, लॉन्ग वेव्स धरातलीय या पृष्ठीय तरंगे. ये धरातल के समानांतर चलती हैं. पृष्ठीय तरंगे जो भूपर्पटी के मुक्त ऊपरी भाग से होकर गुजरती हैं. पृष्ठीय तरंगे दो प्रकार की हैं. ये विभिन्न विभिन्न गतियों से लगभग साथ साथ यात्रा करती हैं. पहले प्रकार की तरंगे रेले तरंगे कहलाती. इनका नाम अंग्रेजी भौतिक शास्त्री लॉर्ड रेले के नाम पर रखा गया है. इनकी तुलना उन तरंगों से की जाती है जो किसी शांत जलाशय के कंकड़ में फेंकने पर उत्पन्न होती हैं. यानी कि जल का जो भी जलाशय है, तालाब है, पोंड है, उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर फेंके हम और वहाँ पर पानी के अंदर जो वेव्स या लहरें चारों दिशाओं में जाएंगी, इस तरह से ये लॉन्ग वेव्स होती हैं. चूँकि अंग्रेजी भौतिक शास्त्री A.E.H. लाओ ने की थी, इन्हें कई बार लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जाना जाता है. लाओ तरंग में गति पूर्णतः क्षितिज हो जाती है, जो तरंग गति की दिशा में समकोण बनाती है. विशेषताएं हैं इनकी, रफ्तार है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड. ये सबसे लंबा समय तय करती हैं और सबसे अधिक प्रभावशाली भी होती हैं. भूकंपीय तरंगों का यहाँ पर एक देखिए, तरंगे समय व सिस्मोग्राफ, इसकी जानकारी. नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों भूकंपीय तरंगों का व्यवहार. भूगर्भ की संरचना के बारे में भूकंपीय तरंगों से प्राप्त जानकारी के निष्कर्ष इत्यादि. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.